दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने मोबाइल के अंदर एक RDP बनाना चाहते हैं जो कि आपको हाई स्पीड प्रोवाइड करे, आप भी अपना वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट कर पाएँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक हाई स्पीड इंटरनेट RDP ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही फ्री में और भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो वीडियो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लोग इस RDP को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा मजे कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और RDP बनाने के बारे में जानते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने इजीली क्रोम का, मैं वक्त बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो, क्रोम में जाए, यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल कॉन्सोल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद ना, आपको यहाँ पर ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, एक सेकेंड, ये वाली। यहाँ पर आपको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस टाइप के पेज पे आ जाओगे और यहाँ पर आपको आने के बाद डेस्कटॉप साइट को एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट करना आता होगा, ये तो आजकल सभी को पता ही है गाइस, इतना तो कोई भी मतलब नहीं है जो ये ना जानता हो। उसके बाद यहाँ पर आपको साइड में ये वाला ऑप्शन देख रहे हो, इंग्लिश, यहाँ पर लिखिए इंग्लिश, से पीछे आपको एक एरो का आइकन मिलेगा, यहाँ पर आपको एक्टिवेट शेल्ड पर क्लिक करना है। नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्टिवेट क्लाउड शेल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको लॉन्च पे क्लिक करके आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा और आपकी जो शेल है वो सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएगी। अब यही नहीं एक्टिवेट करना, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आपकी RDP शुरू बन चुकी है। कभी आप लोग सोचो कि हमारी RDP बन चुकी है, बिल्कुल नहीं गाइस, आप लोगों को एक कोड यहाँ पर सबसे पहले डालना पड़ेगा, तब जाकर आपकी RDP जो है इसके अंदर वर्क करेगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेरी यहाँ पर पहले से ही जो है यहाँ पर डली हुई है, आप लोग देख सकते हैं, पहले से ही मैंने डाल रखा है, मेरा सब कुछ यहाँ पर पहले से हो रखा है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। देखो, इस क्लाउड शेल को मैंने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर सिंपल से, मैं एक सेकेंड, गाइस मैं फिर से कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग योर क्लाउड शेल मशीन, तो यहाँ पर कनेक्टिंग योर क्लाउड शेल मशीन लिखा चुका है, देखते हैं अब हमारा यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वेट करना है, ओके गाइस। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देखो फिर से इस टाइप से न्यू खुल के आएगी, आपको इधर क्लिक करना है और मैंने आपको कॉपी बोर्ड के अंदर यहाँ पर लिंक मैंने दे दिया आपको कॉपी बोर्ड के अंदर, ये इस टाइप का मैंने डॉकर रन टाइप करके दिया है। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद जैसे आप इंटर करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और यहाँ पर आपका एक्सट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका एक्सट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका है, इंटरनेट आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। कभी आप सोचते हैं यहाँ पर आपका इंटरनेट वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं, आपका सिर्फ यहाँ पर एक दो मिनट का काम है, वो यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट करोगे आप लोग, आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चलाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है जो यहाँ पर एक निंजा आइकन बटन बना हुआ है। उसके बाद आपको चेंज पोर्ट पे आना है और यहाँ पर पोर्ट आपको डालना है, एक ही पोर्ट आपको 60 और 70 यानी 70-80 डालना है और दूसरा नहीं डालना वरना नहीं चलेगा, 70-80 ही डालना है। आप देखो, इतना डालने के बाद आप न्यू पेज पर आ जाओगे और आपकी RDP क्रिएट हो जाएगी। यार बिल्कुल आसान और छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको सिंपल से करके दिखा दिया। आप देखो यहाँ पर आपका ये माउस है, आपको इधर आ जाना है और इंटरनेट पे क्लिक करके आपको फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र को ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको स्पीड टेस्ट करा देता हूँ, देखो एक बार फिर से मैं आपको स्पीड टेस्ट करा रहा हूँ, ये मैंने स्पीड टेस्ट पर क्लिक किया, स्पीड टेस्ट मैं आपको करा देता हूँ गाइस। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता कि दोस्तों ये RDP की स्पीड नहीं है, तो आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हैं कि देखो कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग इसके अंदर मैं आपको कोई और कुछ ऑड करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कोई मूवी डाउनलोड करके देख लेते हैं।
तो देखो मैंने आपको RDP सिखा दिया बनानी, यहीं से आप लोग एक RDP को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको YouTube प्ले करके दिखाता हूँ, अगर आप वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो होप करता हूँ पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी सेट कर दीजिएगा ऑल पर। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।